अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या ट्रिपल तलाक प्रकरणी आज 10 सुमारास या प्रकरणी निकाल देण्याची शक्यता आहे। मे 2017 मध्ये 11 ते 18 तारखेदरम्यान सलग 7 दिवस सुप्रीम कोर्टात ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली। सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जे एस खेर यांच्या समोर 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 18 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता। सकाळी 10:30 वाजता निर्णयाचं वाचन सुरू होणार आहे। ट्रिपल तलाकविषयी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सरकारने प्रथा अवैध ठरवली होती, तसंच सरकार ही कुप्रथा सुरू ठेवण्याच्या बाजूने नसल्याचंही सांगण्यात आलं होतं। तर ट्रिपल तलाकवर बंदी म्हणजे धर्मावर अतिक्रमण आहे, त्यामुळे धार्मिक बाबतीत सरकारचा हस्तक्षेप असल्याचं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचं मत आहे। भारतातील एकूणच राजकारणाला वेगळं वळण देणारा असा हा निर्णय असल्यानं याचं महत्त्व अधिक वाढलंय। महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक असा हा निर्णय असल्यानं मुस्लिम समाजातील महिलांसह अवघ्या देशाचं लक्ष सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लागलंय। या संदर्भात आपण आता अधिक चर्चा करूयात। आमचे दिल्लीचे प्रतिनिधी सुमित कुमार सध्या आपल्या बरोबर आहेत। सुमित जी बताइए, ये बहुत ही हिस्टॉरिकल निर्णय आज होने वाला है और इसका महत्व कैसे बता सकते हो? देखिए भूषण, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की संविधान पीठ है उसमें सीजीआई जो है इस बेंच को हेड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या ट्रिपल तलाक जो है संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट साफ करेगा अपने फैसले के जरिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को एडमिट किया था, जिसके बाद 7 याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और विभिन्न मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कहा था कि जिस तरह से एक बार में जो ट्रिपल तलाक 3 तलाक जो बोलने की जो प्रैक्टिस है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए, इस पर लंबी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी और मई महीने में 11 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और तब जाकर 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कंप्लीट करते हुए अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। और कोर्ट ने साफ किया था कि हम इस मामले में ये तय करेंगे कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है कहीं इस्लाम के अंडर तो नहीं आता है, अगर इस्लाम का पार्ट होगा तो हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ट्रिपल तलाक जो है अगर महिलाओं के मौलिक अधिकार को हनन करता है तो ज़रूर हम इस मामले में इंटरफेयर करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से सुनवाई के दौरान पूछा था कि अगर हम ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर देते हैं तो फिर मुस्लिम जो हस्बैंड हैं वो किस तरह से तलाक लेंगे, जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर ट्रिपल तलाक ख़त्म हो जाता है तो हम नया कानून बनाएंगे। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार जो है ट्रिपल तलाक के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट में, ये सबसे बड़ा अहम है क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि ट्रिपल तलाक को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है ख़त्म किया जाना चाहिए। तो ऐसे में 10:30 बजे का इंतजार है भूषण, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है और सबसे अहम बात है कि ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार देता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा भूषण। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।